नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का तरुण कृष्ण यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी इन्जॉय, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी क्योंकि मुझे इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आया था। क्योंकि इस वीडियो में क्या होने वाला है कि मैं संदीप महेश्वरी जी के मुझे सेशन में जाने का मौका मिला था, संदीप महेश्वरी जी के सेशन में। तो काफ़ी दिन से मैं इंतजार कर रहा था, एक बार क्या होता, संदीप सर मुझे चर्च में मिले थे, तो उसी दिन मैंने सोच लिया था लगभग जा रहा है उसे पीछे। तो संदीप सर के मुझे सेशन में जाने का मौका मिला था, तो काफ़ी मज़ा आया मुझे। तो मैंने सोचा इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ना कैमरे में कैद कर ले जाए, क्योंकि तब भी मैं इस वीडियो को देखूँ अंदर से एक मोटिवेशन मुझे मिलेगा। तो क्या हुआ था, मैं काफ़ी उदास था उस दिन, खुद के ऊपर काफ़ी मतलब अजीब सा लग रहा था मुझे। वो मेरा बहुत मन था कि संदीप सर के काश मुझे सेशन का मौका मिल पाता, सर मुझे समझा पाता, उनसे मिल पाता, काश मुझे काफ़ी मन था मेरा। तो अचानक से मैसेज आता, तरुण कृष्ण कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव गेट अपॉर्चुनिटी टू गो इन संदीप महेश्वरी सेशन। मैं खुशी तरह मतलब अचानक से मेरा मन कर रहा था, अचानक से मैसेज आता, तो एक्साइटेड इतना ज़्यादा हो गया था मैं सोचा थोड़ा बहुत वीडियो बना लिया। वैसे अंदर तो अलाउड नहीं होता, सेशन जो सेशन हॉल है जहाँ पे वहाँ तो कैमरा अलाउड नहीं होता है, फ़ोन वोन कुछ भी स्विच ऑफ करा दिया जाता है। तो थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर का शूट कर लिया, बाकी सेशन के बाद मैं शूट कर लिया था थोड़ा, तो उसी के ऊपर मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया। तो देखिए वीडियो को, इन्जॉय करिए। वैसे अगर आपका एड्रेस मैं बताऊँ तो एड्रेस कहाँ पर होता है, पीदमपुरा में जो है, पीदमपुरा में अग्रवाल बिल्डिंग है पूरी, उसके अंदर पूरा सेशन होता है। मैं आपको वो जो टिकट मुझे मिला था, टिकट जो मुझे सर ने भेजा था, उसका भी आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। तो एंजॉय करिए वीडियो, संदीप सर की वीडियो तो लाइक करके जरूर जाना, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आज का दिन आप सबकी जिंदगी का सबसे बड़े दिन है। किसी क्या कर सकता है कि आगे भी दुनिया का हर पल पलट जाएगा एक दिन के अंदर। एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है। अगर आपके अंदर लड़ने की स्पिरिट है तो आप जीत लोगे। अरे जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, अरे हो, आगे बढ़ो, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। मेरा मिशन क्या है कि इंडिया के अंदर और इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अनलिमिटेड लीडर्स खड़े कर। आपका पूरा फ्यूचर उस एक डिसीजन पे डिपेंड करने वाला है कि उसमें आप क्या चॉइस लोगे। गलत चॉइस ले ली, फंस गए। सही चॉइस ले ली, सेल्फ डेवलपमेंट। एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो दुनिया आपसे करवाना चाहती है। जिस इंसान में यह करेज नहीं है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद ले सकूं, वो जिंदगी में क्या करेगा, मान लो एक्सट्रीम केस में मारा भी, आपको हंटरों से मारा, जूतों से मारा, चप्पलों से मारा, एक तरफ है 5 मिनट की मार, एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे। समझो, बिना कोई गलत काम किए सही रास्ते पर चल करके नीचे से ऊपर तक कैसे पहुंचा जाता है वो आप सब अब प्रैक्टिकली देखोगे। दो तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो सपने बहुत देखते हैं बड़े बड़े कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जब करने की बारी आती है ना वो पाना सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपना खोना कुछ भी नहीं चाहते। अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, उसमें कुछ ऐसा कर जाऊं, कुछ भी के जानने के बावजूद भी कि मैं कल सुबह नहीं उठने वाला, फिर भी आज रात को चैन से सो सकता। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता।
वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या हजार आए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1,00,000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। यू विल बी अनस्टॉपेबल। I am the greatest person, ever born on this planet. ये इतना important नहीं है आप बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। Important ये है कि जब आप अकेले में हैं, तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हैं। अगर ये अंदर तक चली गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक बार बोलते हैं और अंदर तक फील करके बोलना, आई एम द ग्रेटेस्ट एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार। अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। जब भी आपको लोग बोलने लग जाए कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी क्योंकि ये भी होना आसान है।